फेसबुक ने अभी एक सबसे बड़ा अपडेट लॉन्च किया था, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो उसी अपडेट को सुनकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपना फेसबुक और पेज बनाकर इनकम जनरेट करूंगा। तो आप भी इस तरह अपना एक फेसबुक और प्रोफेशनल तरीके से पेज बनाकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि उस पेज को हमें किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से हमें अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा कि जो परमानेंट वो खुद का अकाउंट बना रहा है, आपको सिर्फ यूट्यूबर यही बताएंगे कि वो कोई टेम्परेरी अकाउंट बना रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं आज अपना खुद का, खुद के लिए परमानेंट फेसबुक का पेज बनाने जा रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है फेसबुक। जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है सिर्फ ओपन का। यहाँ पे आपको चेक करना है यदि यहाँ पे फेसबुक अपडेट नहीं है, तो आपको फेसबुक को अपडेट करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे हम इसको फेसबुक को ओपन करेंगे, फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है अपना लोगो और थ्री डॉट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख रहा है पेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है पेजेस के ऊपर। पेजेस पर क्लिक करने के बाद जितने आपके पेज हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मेरे 3 पेज ऑलरेडी हैं तो ये शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद ये फर्स्ट कदम है फेसबुक पेज बनाने का, तो यहाँ पे करना आपको गेट स्टार्टेड। अब जो भी आप फेसबुक का पेज रखना चाहते हैं, कोई यूनिक नेम आपको रखना है फेसबुक का, सबसे छोटा नाम हो, या फिर आप यूट्यूबर हैं तो आपको यहाँ पे जो आपके यूट्यूब पर नाम है उसी का नाम आपको फेसबुक पेज पर रख देना है। अब यहाँ पे मेरा यूट्यूब का नाम है टेक्निकल क्रिशु रख देता हूं मैं टेक्निकल क्रिशु, और यहाँ पे करता हूं मैं नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं, अब आ रहा है सर्च फॉर कैटेगरी। अब आपकी जो भी कैटेगरी है यूट्यूब पर है या फिर आप कोई भी कैटेगरी की वीडियोस बनाना चाहते हैं फेसबुक पेज के अंदर, उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मेरी कैटेगरी है टेक की, तो मैं यहाँ पे टेक सर्च करता हूं, टेक लिख के सर्च। ये देखो यहाँ पे आ गई साइंस एंड टेक, इस पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा ये प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट कदम देखो, यहाँ पे लिखा है बायो। बायो के अंदर आपको अपनी जो फेसबुक का पेज है इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बायो, बायो के अंदर मैं लिखता हूँ अर्निंग टिप्स, इसके साथ साथ टैग की, टैग वीडियोस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बायो में लिखना है जो भी आपका पेज है उसी से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं आप, जहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट, ठीक है। नीचे आपका ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फोन नंबर, फोन नंबर भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। नीचे लिखा है लोकेशन, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आप इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये कुछ नहीं कर रहा। और नीचे लिखा है आवर्स, इसका मतलब है जो भी आपका फेसबुक पेज देख रहा है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है नो आवर्स अवेलेबल, मतलब जो भी आपका पेज देख रहा है तो उसको ये शो होगा कि आप अवेलेबल नहीं हो किसी भी घंटे। सबसे फर्स्ट वाला लिखा है नो आवर्स अवेलेबल, इसका मतलब है आप किसी भी घंटे उपलब्ध नहीं हो। सेकंड है ऑलवेज ओपन, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ फेसबुक पेज के ऊपर। और थर्ड है स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब यहाँ अपने आप घंटों के अनुसार आप यहाँ पे रख सकते हैं कि मैं इतने घंटे फेसबुक पेज पर ऑनलाइन रहता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑलवेज ओपन और मैं करता हूँ नेक्स्ट, मतलब मैं हमेशा उपलब्ध हूँ मेरे फेसबुक पेज के अंदर। उसके बाद ये देखो हमारा जो फेसबुक पेज है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें देनी यहाँ पे एक डीपी लगानी है, अच्छी सी डीपी लगानी है फेसबुक पेज के अंदर। तो अभी मैं इस डीपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस डीपी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरी डीपी लग गई है। और नीचे लिखा है एडिट एक्शन बटन, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है टू गेट स्टार्टेड वी विल सेंड टू ए कोड व्हाट्सएप नंबर,
तो इसको अभी मैं स्किप करता हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहता मेरे फेसबुक पेज के अंदर, स्किप करता हूँ इसको मैं अभी। यहाँ पे लिखा है इनवाइट्स फ्रेंड्स, इनवाइट्स फ्रेंड्स पर मैं क्लिक करता हूँ। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपका फेसबुक का जो मेन जो आपका नाम है, जो नाम का जो आईडी है फेसबुक की आईडी है, उसमें जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे आपको वो सारे शो हो जाएंगे, उनको ही आपको शेयर करना है। ठीक है, जहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल 918, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसके अनुसार, जैसे मैं देखो, मतलब 5 लोगों को मैं शेयर, 8 लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सेंड इनविटेशन, तो ये जो मेरा फेसबुक पेज मैंने अभी बनाया था इन लोगों के पास चला गया है। अभी मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, इसको आपको ऐसे ही रखना है, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अब आपको करना है डन। जैसे ही आप डन करोगे तो आपका फेसबुक पेज है वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू योर न्यू पेज, मतलब मेरा एक न्यू पेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा स्टार टावर, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसको अभी हम बाद में कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है टेक्निकल क्रिशु, और यहाँ पे मेरी आप डीपी देख पा रहे होंगे, एड कवर फोटो, एड कवर फोटो को भी आपको लगाना है। यहाँ पे लिखा है अपलोड फोटो, अपलोड फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो पीछे वाली फोटो है, जो आपका बैनर है, वो भी यहाँ पे देखो लग जाएगा। तो इसको अब मैं थोड़ा नीचे करके लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया, वेलकम टू योर न्यू पेज, मतलब कि आपका न्यू पेज बन गया है, क्रिएट हो गया है। ये देखो हमारा एक न्यू पेज है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। हाउ हेल्थी इज योर पेज, मतलब कि पेज हेल्थ गुड, हमारा जो पेज है वो बिल्कुल गुड है। अब देखो हमारा जो पेज है बिल्कुल क्लिक हो गया है। अब आपको देखना है कि जो हमारा पेज लोगों को कैसे दिखेगा। तो ठीक है, जहां पे लिखा है आपको दिख रहा है 3 डॉट्स, एडिट के सामने आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है व्यू एज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो जो भी लोग आपके पेज तक पहुंचेंगे तो उनको आपका पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर इस तरह हम अपना खुद का पेज बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह भी आप भी अपना एक फेसबुक पर पेज बनाकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पेज के अंदर हमें वीडियोस को किस प्रकार से अपलोड करना है, और किस प्रकार से हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स का यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।